धेनुकासुर वध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन बलराम और कृष्ण साथ साथ गौ चराते अति रमणीय ताल वन में आए। उस दिव्य ताल वन में धेनुक नामक एक गधे के आकार वाला दैत्य मृगमांस का आहार करता हुआ सदा रहा करता था। उस ताल वन को पके फलों की संपत्ति से संपन्न देख उन्हें तोड़ने की इच्छा से गोपगण बोले। गोपों ने कहा, भैया राम और कृष्ण, इस भूमि प्रदेश की रक्षा सदा धेनुकासुर करता है, इसलिए यहाँ ऐसे पके पके फल लगे हुए हैं। अपने गंध से संपूर्ण दिशाओं को आमोदित करने वाले ये ताल फल तो देखो, हमें इन्हें खाने की इच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़े से झाड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, गोप कुमारों के ये वचन सुनकर बलराम जी ने ऐसा ही करना चाहिए ये कहकर फल गिरा दिए और पीछे कुछ फल कृष्णचंद्र ने भी पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वो दुर्दुर्ष और दुरात्मा गर्दभा असुर क्रोध पूर्वक दौड़ आया और उस महाबलवान असुर ने अपने पिछले दो पैरों से बलराम की छाती में लात मारी। बलराम जी ने उसके उन पैरों को पकड़ लिया और आकाश में घुमाने लगे। जब वो निर्जीव हो गया तो उसे अत्यंत वेग से उस ताल वृक्ष पर ही दे मारा। उस गधे ने गिरते गिरते उस ताल वृक्ष से बहुत से फल इस प्रकार गिरा दिए जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिरा देते हैं। उसके सजातीय अन्य गर्दभा सुरों के आने पर भी कृष्ण और राम ने उन्हें अनायासी ताल वृक्षों पर पटक दिया। हे मैत्रेय, इस प्रकार एक क्षण में ही पके हुए ताल फलों और गर्दभा सुरों के देहों से विभूषिता होकर पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। हे द्विज, तब से उस ताल वन में गौएं निर्विघ्न होकर सुखपूर्वक नवीन तृण चरने लगी जो पहले पहले कभी चरने को नसीब नहीं हुआ था।